रिलेटेड टू सप्लाई दैट व्हाट इज मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई इज रिलेटेड टू दिस समेशन ऑफ आर इंडिविजुअल सप्लायर ऑफ आर सेलर. मीन्स जैसे आपने मार्केट डिमांड को लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम तमाम इंडिविजुअल्स की डिमांड को जमा कर देते हैं तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है. द सेम कॉन्सेप्ट विल मार्केट सप्लाई व्हेन सम ऑफ आर इंडिविजुअल सप्लायर. जब हम तमाम इंडिविजुअल सप्लायर यानी जो हमारे इंफरादी इंडिविजुअल सप्लायर होते हैं उनकी सप्लाई को सम कर देते हैं एट गिवन प्राइस. आपने ये लाजमी लिखना डेफिनेशन में एट गिवन प्राइस, इट बिकम मार्केट प्राइस. जब हम तमाम इंफरादी जो आजिर की रसद को जमा कर देते हैं तो हमारे पास जो मंडी की रसद आ जाती है. ठीक है, समेशन ऑफ आर इंडिविजुअल सप्लायर ऑफ आर सेलर एट गिवन प्राइस. ठीक है, इंडिविजुअल सप्लायर को हम क्या कहेंगे, इंफरादी जो हमारे आजिर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेलर है जो कोई चीज़ प्रोडक्ट कर रहा है, ये बी सेलर है, ये सी सेलर है. जब हमने इनकी तीनों के सेलर्स की सप्लाई को ऐड कर दिया देन इट बिकम मार्केट सप्लाई. ठीक है, एट गिवन प्राइस. नाउ द सेम कॉन्सेप्ट इज हेयर, इट इज द सप्लायर ऑफ ए सप्लायर ए सप्लायर, इट इज बी सप्लायर, इट इज सी सप्लायर. मीन्स ये कोई एक सी आजिर है, इट इज बी आजिर, इट इज ए आजिर. और हमने जब इन तीनों की सप्लाई को इन तीनों की रसद को जब ऐड कर दिया तो हमारे पास मंडी की रसद आ गई. मीन्स इट बिकम मार्केट सप्लायर एट गिवन प्राइस. और आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. उस रिलेशनशिप को आपने रिमेंबर रखना है जब भी आपने कोई टेबल बनाना है या ग्राफ बनाना है. यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी. आप ये देखिए, मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपने बेटा मार्केट सप्लाई को एक्स एक्सिस पर लेना है और प्राइस को वाई एक्सिस पर देना है. और जब आप फिर इसका ग्राफ बना दोगे मार्केट सप्लाई का, जो सम है जो कैसे निकला है, जो तीन आजरों की रसद को जमा करके निकला है मंडी की रसद, इट बिकम द समेशन ऑफ थ्री डिफरेंट सप्लायर. नाउ वी ऐड थ्री डिफरेंट सप्लायर, इट बिकम मार्केट सप्लाई एट गिवन प्राइस. आपने इसको एक्स एक्सिस पर देना है, इसको वाई एक्सिस पर देना है और आपने इसका ग्राफ को ड्रॉ कर देना है. नाउ नेक्स्ट सप्लाई, बेटा ये सप्लाई में चेंज जो होता है वो टू टाइप्स चेंज होता है, जो रसद में तब्दीली होती है. एक तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. इट इज़ टोटली रिलेटेड टू डिमांड कॉन्सेप्ट. अगर आपने डिमांड का चैप्टर, डिमांड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है कब होती है, ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ठीक है, ये प्राइस, जब आपकी प्राइस में इंक्रीज हो रहा है और आपकी सप्लाई में भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हो रही है, कि रसद में इजाफा हो रहा है, एक्सटेंशन हो रही है. ठीक है, और ये ओनली प्राइस के चेंज की वजह से होती है. और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कहता है रिडक्शन. मीन्स जब प्राइस में रिडक्शन हो रही है तो सप्लाई में भी रिडक्शन हो रही है. इस कॉन्सेप्ट का आपको पता है कि वाई बोथ वेरिएबल हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि बेटा जब प्राइस बढ़ती है, रसद आपको पता है कि आजिर की तरफ से होती है, प्रोड्यूसर्स की तरफ से होती है. प्राइस के इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, इसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस सप्लाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पैदा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रसद लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ की प्राइस ज़्यादा है, हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा. दैट्स वाई बोथ वेरिएबल हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप. और जब हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो इसका मतलब प्राइस में इंक्रीज से आपकी सप्लाई में इंक्रीज होता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, रसद का घटने की बात करते हैं, तो मीन्स कीमत में कमी से आपकी रसद में कमी हो रही है. नाउ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मीन्स, ये देखिए, प्राइस में इजाफा, आपकी क्वांटिटी सप्लाई में भी इंक्रीज. वाई? बिकॉज बोथ है पॉजिटिव रिलेशनशिप. अब ये आपने ग्राफ देखिए, इनका पॉजिटिव रिलेशन की वजह से इसका ग्राफ मस्बत रुझान रखता है, अपवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, प्राइस में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में बेटा हम लोग उसी कर्व पे ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते हैं. एक्सटेंशन में हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ रही है. कॉन्ट्रैक्शन में हम नीचे बैकवर्ड मूव करते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है कि प्राइस के कम होने से सप्लाई भी कम होती है. आपको आ सकता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या आप उसी कर्व पे मूव करते हैं या उस कर्व के अलावा किसी और कर्व पे मूव करने, आप ये कह रहे हैं नो, हम
उसी एक ही रसद के कर पे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करते हैं। अगर आपका एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट है तो आपने ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस में इजाफे से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में भी इजाफा हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है रसद के घटने का, तो आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, मीन्स प्राइस में कमी आ रही है और क्वांटिटी सप्लाई में भी अब कमी आ रही है, 40 से 10 की तरफ आ रही है, मीन्स आप बैकवर्ड आ रहे हैं। और सप्लाई कर्व क्या होता है? पॉजिटिव कर्व होता है, वो आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। नाउ राइज इन प्राइस, बेटा यहाँ पे राइज इन प्राइस में क्या होता है? आपका सप्लाई का शिफ्ट होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव शिफ्टिंग है। ठीक है, S1 का मतलब जो आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। जब आपने राइज की बात करनी है तो आपका सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। पॉजिटिव कर्व का जो इंक्रीज होता है वो बेटा ये होता है राइटवर्ड। इसको आप ये नहीं करें कि ये तो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये राइज की ओर, एक से कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए जो पॉजिटिव कर्व होता है ना उसका इंक्रीज राइटवर्ड ये वाली डायरेक्शन होती है। इसे जब राइज इन सप्लाई होता है तो आपका सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, मीन S1 से S2 हो गया। राइज में राइज और फॉल इन सप्लाई के कॉन्सेप्ट में सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता, बल्कि हम उसी सप्लाई कर्व पर ऊपर ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते हैं। राइज इन सप्लाई में आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन प्राइस। अदर फैक्टर्स होते हैं जो आपके सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं, जैसे आपकी इनपुट की प्राइस में डिक्रीज आ गया तो आजिर को फ़ायदा हो गया, उसको अब इनपुट्स लो रेट पर मिल रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, Q1 से Q2 चली जाएगी। आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बड़ी ईजियर पॉलिसी है, आपको लो प्राइस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लो प्राइस पे आपको गैस मिल रही है, आपके टैक्सेस कम है, तो आजिर को प्रॉफिट हो रहा है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है, वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा। और जब आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है तो आपका जो सप्लाई कर्व है, जो खते रसद है, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये राइट वर्ड कहते हैं, इसको इंक्रीज होना कहते हैं। S1 से S2 की तरफ जो शिफ्ट हुआ है ये राइट वर्ड शिफ्टिंग है। और ये क्यों शिफ्ट हुआ है? इसमें प्राइस का कोई अमर दखल नहीं, प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ये दूसरे फैक्टर्स हैं जिसने आपकी सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट किया है या राइज किया। जब आपकी सप्लाई राइज होती है ड्यू टू अदर फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, तो आपका सप्लाई का कहां शिफ्ट हो जाता है? राइट वर्शिप हो जाता है। द सेम कॉन्सेप्ट इज फॉल इन सप्लाई। जब आपकी रसद में कमी आती है, फॉल आती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है, तो आपका सप्लाई कर्व खते रसद लेफ्ट वर्शिप हो जाता है, मींस ऊपर की तरफ। ये फॉल की निशानी होती है। जब आपकी रसद में कमी आ रही है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो आपका S1 से S2 की तरफ जो ये मूवमेंट है ये लेफ्टवर्ड है, यानी इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस कॉन्स्टेंट है, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो फेवरेबल नहीं है, जो प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, इसे उसने अपनी सप्लाई को क्या कर दिया? कम कर दिया। और जब सप्लाई कम हो जाती है ड्यू टू अदर फैक्टर, तो आपका जो खते रसद होता है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो लेफ्टवर्ड का मतलब होता है कि आप इस तरफ मूवमेंट कर जाते हैं S1 से S2 की जाने। तो दिस इज फॉर इन सप्लाई। राइज एंड फॉल में आप याद रखना, हमेशा आपका जो कर्व होता है वो शिफ्ट होता है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में शिफ्टिंग नहीं होती, आप उसी कर्व पर रहते हुए अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट आर द कॉसेज ऑफ चेंज इन सप्लाई का, मीन्स ये शिफ्टिंग की क्या चेंजेस है, ये मैंने आपको यहाँ भी बता दी है, तो ये एक दफ़ा फिर देख लें। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर को प्रॉफिट है, तो सप्लाई ज़्यादा होती है। फैक्टर की प्राइस है, अगर फैक्टर की प्राइस रो है तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा है, उसको जो इनपुट है वो रो प्राइस में मिल रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अगर प्राइसेज ऑफ अदर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है वो कोई चीज़ बना रहा है, उसको लग रहा है कि दूसरी चीज़ के प्राइस में इजाफा हो गया, जो सब्स्टिट्यूट है, तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, वो अपनी सप्लाई में इजाफा कर देगा। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्म्स आ गई हैं जो किसी चीज़ को बना रही हैं, तो डेफिनेटली सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। जैसे आपको पता है 100 प्रोडक्ट्स हैं, अब कितनी फर्म्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स की सॉप बना रही हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं। इस तरह फेयरेंस क्रीम की डिफरेंट फर्म्स हैं, इस तरह जो टी है वो डिफरेंट फर्म्स हैं जो टी बना रही है, इस तरह जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो डिफरेंट फर्म्स हैं जो अल्कोहलिक ड्रिंक बना रही है। तो इसका मतलब आपका वैरायटी ऑफ सप्लाई है मार्केट में। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये लग रहा है प्रोड्यूसर को कि आने वाले वक्त में प्राइस में राइज होगा, तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर कहता है कि मैं अभी नहीं
ना अभी मैं सप्लाई को कम कर देता हूँ, आने वाले वक्त में मैं सप्लाई को ज़्यादा करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे तब प्रॉफिट होगा। एक बार याद रखना, प्रोड्यूसर का टोटली वो जो चीज़ देख रहा होता है, प्रोड्यूसर जो आजीर होता है, वो प्राइस को देख रहा होता है। अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है तो वो ज़्यादा सप्लाई कर देगा क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा है। इधर टैक्सेज, जो टैक्सेज होते हैं वो, बेटा एक बार याद रखना, ये गवर्नमेंट टैक्सेज लगाती है प्रोड्यूसर्स पर भी, कंज्यूमर्स पर भी, ठीक है। गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेती है टैक्सेस की जरूरत में, क्योंकि टैक्स